हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज कनीना के भाजपा कार्यालय में धर्मवीर के स्टार प्रचारक बनकर पहुंचे राव इंद्रजीत, जहां उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कनीना आरएस वाटिका, यहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्रगढ़ भिवानी से जो चौधरी धर्मवीर सिंह है, उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के नेता राव इंद्रजीत सिंह पहुंचने वाले हैं कुछ ही समय में। और यहाँ आप देख सकते हैं भीड़ आना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे लोगों के आसपास के गांव के जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे ढोल और नगाड़ों के साथ पहुंचना शुरू हो चुकी है। यहाँ की भीड़ देख सकते हैं, अंदर भी काफ़ी भीड़, अंदर जो कुर्सियाँ लगी हुई है वो सारी की सारी भर चुकी है। काफ़ी भीड़ यहाँ पे पहुँच चुकी है। कुछ ही समय में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है राव इंद्रजीत सिंह वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आज आप राव इंद्रजीत सिंह का जो ये प्रोग्राम था इसमें आई है, आपको क्या लगता है किस लिए आए आप यहाँ पे? मोदी की जीत हो और इसके लिए हम कमल पर बटन दबाएंगे। मोदी की जीत क्यों चाहते हैं? हाँ, मोदी मोदी ने हमारे देश के लिए अच्छा काम किया है, देश की सुधार करता है मोदी जी, गरीबों की सुधार है मोदी जी। हाँ जी, आई बात अपनी पार्टी की तरफ से भी मानता हूँ, प्रधानमंत्री की वजारत के अंदर मंत्री होने के नाते भी मानता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं अगर आपसे वोट मांगता हूँ तो आप लोगों का साथी और आप लोगों का हम सबक के तौर के ऊपर मैं वोट मांगने आ रहा हूँ। छत्तीस राज्य से मैं कहता हूँ कि हमारी इन पिछले 35-40 वर्ष के अंदर हो सकता है कभी ना बनी हो सकता है आपने कभी मेरी मुखातब भी करी हो सकता है कि कई बार आप एक बार आपने मुझे हराया भी हो, लेकिन आज के दिन हम और आप अगर मिलकर के चलते हैं तो देश मजबूत बनता है। जिन लोगों ने पहले मेरे को वोट ना दी हो उनको भी आह्वान करता हूँ, और जिन लोगों ने हमेशा मेरी वोट दी है उनको भी आह्वान करता हूँ कि आने वाले दिन के अंदर आप लोगों की रंजिशबाजी हमारे देश को नुकसान ना पहुंचाए, इस चीज का आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वे मनेठी एम्स, सड़कों व रोजगार को लेकर वोट मांग रहे हैं। राव ने कहा जो इन 5 सालों में हुआ वो पिछले 20 वर्षों में भी नहीं हुआ। जो भी मुख्यमंत्री यहां से हुआ उसने केवल क्षेत्रवाद की दृष्टि से ही विकास किया और जनता को अंधेरे में रखा। कनीना से योगेंद्र पाल की रिपोर्ट। सर, आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्तासीन करें, नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान दें। और कुल मिलाकर के 36 बिरादरी से हमने ये आह्वान किया है, और जिस तरह का समर्थन हमको मिल रहा है आज के दिन, मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से दिल्ली के अंदर स्थापित होगी और यहाँ से एमपी हमारे जीत करके जाएंगे। ग्राउंड लेवल के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या प्लान लेके चल रही है आपकी बात 2019? देखिए, ग्राउंड लेवल तो यही है, जो 5 साल हमने काम किया है उसके ऊपर हम वोट मांग रहे हैं। जो हाईवेज बनाए हैं हमने, जो एम्स बनाई है मनेठी के अंदर, जो अनेक भर्तियां हुई हैं हरियाणा सरकार के माध्यम से, ये सब कुल मिलाकर के 5 साल के अंदर हमने वो काम करके दिखाया है जो पहले 20 साल के अंदर नहीं हुआ था। पहले क्षेत्रवाद हुआ करता था, एक जगह की जहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वहाँ का इजाफा हुआ करता था, बाकी जगह अंधेरा रहा करता था। हमने कोशिश करी है जब से हमारे को जनता ने दोबारा सत्तासीन किया है कि सबका साथ और सबका विकास हो, और मैं समझता हूँ इन 5 साल के अंदर हमने ये करके दिखाया है। तो एक तो इसकी बदौलत हम आज के दिन वोट मांग रहे हैं, और भविष्य में जो करना चाहते हैं, जो अधूरे काम रह गए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य के लिए भी लोग हमारे को सत्तासीन करेंगे। आज राहुल गांधी की रैली है सर भिवानी में, वो करें, वो तो अपोजिशन का काम है भैया। हाँ, चलो ठीक है। हरियाणा में कितनी सीटें के लिए आप युवा हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है राव इंद्रजीत सिंह? देखिए, वैसे तो मोदी सरकार दोबारा बनने जा रही है, लोगों का बहुत विश्वास है, बहुत से मीडिया चैनल्स हैं, उनकी सर्वे भी चल रही है, मीडिया के ऊपर जितने भी रिपोर्ट आ रही है मोदी सरकार बन रही है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का विशेष तौर पे दक्षिण हरियाणा में और हरियाणा में पूरा लोगों के ऊपर विश्वास है, लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और दक्षिण हरियाणा की और हरियाणा की राजनीति राव इंद्रजीत जिस तरफ करवट लेते हैं उसी तरफ करवट लेती है। तो आप लोगों से, जितने भी मेरे साथी सुन रहे हैं, सभी से मैं यही अपील करता हूं कि हमारे दिग्गज नेता अहिरवाल की शान राव इंद्रजीत सिंह के आह्वान पर
नरेंद्र मोदी सरकार को दोबारा बनाएं, राव साहब के हाथ मजबूत करें, चौधरी धर्मवीर सिंह जी को जिताएं, यही अपील है सभी से। क्या जो पार्टी है उसका एक कैंपेन चल रहा है, मैं भी बेरोजगार है, क्या आपको लगता है ऐसा आप भी कुछ है? ये बेरोजगार के ऊपर चौकीदार भारी है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हर मामले में देश को आगे लेके जा रहे हैं। और मैं अपील करता हूँ आप सभी से कि प्रधानमंत्री जी का साथ दें, इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ का देश है, 125 करोड़ के देश को चलाना छोटी बात नहीं है। जो 70 साल में नहीं कर पाए वो 5 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। कांग्रेस कह रही है कि अब न्याय होगा, तो इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, पिछले 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, न्याय तभी नहीं हुआ, तो न्याय अब भी नहीं हो सकता। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी देशभक्ति के ऊपर कोई शक हम लोग नहीं कर सकते। इंद्रजीत सिंह आज आए, इलाके में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हरियाणा की और दक्षिण हरियाणा की राजनीति, राव साहब जिधर करवट लेते हैं उधर ही करवट लेती है। आज माहौल को बिल्कुल बदल दिया है, जिस तरीके की पब्लिक के अंदर उत्साह था, जिस तरीके की भीड़ थी, जिस तरीके का माहौल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस तरीके के नारे लग रहे हैं पीछे, तो राव इंद्रजीत सिंह का एक विशेष प्रभाव इस इलाके में है। और चौधरी धर्मवीर सिंह निश्चित रूप से पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। कोसली एरिया का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों को दिया जाता है पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रोजेक्ट स्टडी, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, लाइब्रेरी, सबसे कम फीस में सबसे बेहतरीन शिक्षा, स्कूल बस का कोई किराया नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस की कोई फीस नहीं। गायत्री साइंस इंस्टीट्यूट, पाए सबसे अच्छा अवसर सबसे पहले। लिमिटेड सीट्स, आज ही कॉल करें 9729683636 पर।